नमस्कार, मार्केट संवाद में आपका स्वागत है। इस समय हम आपको नई अपडेट लेकर आए हैं जो मेहंदीबाग के अंदर हम खड़े हुए हैं, जो झांसी में मेहंदीबाग मोहल्ला है जो आतिया ताल के सामने पड़ता है। देखिए, हम आपको दिखा रहे हैं, ये मेहंदीबाग का नज़ारा है। ये मेहंदीबाग की गलियां हैं जो आप देख रहे हैं। हमारे मार्केट संवाद चैनल पर हमारे सब्सक्राइब कमेंट भेज रहे थे, सर जी आपने मेहंदीबाग के अंदर की गलियां नहीं दिखाई, इसलिए आज हम आपको मेहंदीबाग के अंदर लेके आए हैं। आप देख सकते हैं सुनसान है गलियां, कोरोना की भयभीत है, अभी भी दहशत बरकरार है। ये कुछ लोग खड़े हुए हैं, आइए हम कुछ चर्चा करते हैं, जानते हैं कि मेहंदीबाग के इतिहास के बारे में जानते हैं। भाई साहब नमस्कार। नमस्कार भाई साहब। भाई साहब मेहंदीबाग क्यों कहा जाता है इस एरिए को? भाई साहब मेहंदीबाग इसलिए कहा जाता है कि गंगाधर राव के यहाँ पे एक नृत्य करने वाली महिला थी, जो उनके लिए जो बगीचा दिया गया था, गंगाधर राव ने दिया था उनका बगीचा जो है कुशवा लोग करते थे, इसलिए जो है इसको मेहंदीबाग कहते हैं। नहीं, तो जो नृत्य करती थी हाँ, तो वो राजा के यहाँ गंगाधर राव के यहाँ करती थी, तो उन्होंने राजा ने उनको जमीन दी थी, उनको ये बगीचा दिया था। अच्छा, फिर कुशवा समाज के लोग नृत्य जो करती थी उनका क्या नाम था? उनका नाम मेहंदी नाम था। मेहंदी हाँ। मेहंदी नाम की जो नृत्य करने वाली नृत्य करने वाली महिला थी, तो उनके यहाँ कुशवा समाज के लोग काम करते थे। हाँ, उनके यहाँ पे जो बगीचे का खेती बाड़ी सब यही लोग करते थे, इसलिए पूरा वो मेहंदी के पेड़ लगा लिए होंगे। हाँ, बगीचे में जो है मेहंदी के पेड़ काफी से पेड़ थे पहले। अच्छा, मेहंदी नाम भी था हाँ। महिला का और मेहंदी के पेड़ भी बहुत बगीचा लगाता है इधर, बगीचे के बगीचे थे मेहंदी के साथ। अच्छा अच्छा, और कुछ भी जानकारी है? बस अब इतनी जानकारी ही है, उसी के नाम से मेहंदी पड़ा है ये। तो जैसे लोग बात कहते हैं कि यहाँ पूरी जमीन कुशवाओं की है, तो मतलब क्या सच है इसमें? सत्य तो ये है कि वो उनके यहाँ पे नृत्य करती थी, उन्हीं को जो है दिया था गया था बगीचा, इसलिए वो फिर खत्म हो गई। खत्म हो गई तो फिर वो जो है उन्हीं के नाम से चलता रहा है। उन्होंने किसी को वसीयत की होगी मेहंदी जो नहीं महिला थी? महिला वसीयत नहीं करी था। अच्छा। बात तो सीन थे, मुख्यमंत्री बने थे उत्तर प्रदेश में हाँ। उन्होंने आदेश किया था कि जो जमीन कर रहे हैं पुराने जमीन जूतने वाले हैं कमर है, तो उनके ऊपर वो जमीन के मालिक हो जाएंगे, तो उन्होंने आदेश किए थे। फिर तहसील ने सबके नाम चढ़ा गए, तो जो जमीन करते थे जब सबके नाम चढ़ गए तो यहाँ पे कुशवा समाज के लोग ज्यादा रहते थे, तो उन्हीं के नाम जमीन चढ़ गई। वो सब कुशवाही समाज के रहते थे सब। यहाँ पे सब्जी का काम पूरे सारे बाग बगीचे में होने लगा था हाँ, वो मालिक होगा। आप देख रहे होंगे जो हम दो लोग मेहंदीबाग में मिले सज्जन, उन्होंने जानकारी दी इतिहास की, बहुत अच्छी जानकारी दी, और हमने आप सबको मार्केट संवाद चैनल से दिखाया। ये आप देख रहे हैं मेहंदीबाग के अंदर की गलियां हैं, चौड़ी चौड़ी सड़क हैं, सुनसान है, बिल्कुल साइलेंट हैं गलियां। ये सारी मेहंदीबाग के अंदर की गलियां हैं जो हम आपको दिखा रहे हैं, बिल्कुल सुनसान है कोरोना में, लोग जागरूक हो गए हैं, बेवजह घर से नहीं निकलते हैं, मास्क लगाकर निकलते हैं, सैनिटाइजर जेब में रखकर चलते हैं, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हैं। ये अच्छी बात है झांसी के लिए, कोरोना पॉजिटिव केस अब कम निकल रहे हैं और सैंपल ज़्यादा जा रही है, ये अच्छी बात है हमारी झांसी के लिए। धीरे धीरे हम जागरूक रहे तो कोरोना महामारी से हम जीत सकते हैं। सारी गलियां सुनसान हैं मेहंदीबाग की, क्या सुंदर नज़ारा है, बिल्कुल गलियां सन्नाटे में हैं, इक्का दुक्का आदमी ही दिख रहे हैं, छोटी छोटी दुकानें हैं गली मोहल्ले की जो आप देख रहे हैं। मार्केट संवाद पर आप अपना अगर अनुभव साझा करना चाहते हैं परिवार के साथ, किस हाल में आप कोरोना में जिंदगी काटी है, क्या अनुभव
लिया है, जीने की क्या कला सीखी है। अगर आपके घर में कोई प्रतिभा है और अगर आप अपनी प्रतिभा को हमारे मार्केट संवाद चैनल पर परिवार के साथ अगर दिखाना चाहते हैं, डिबेट करना चाहते हैं हमारे चैनल पर, जो कि पूरा देश देखे और उस प्रतिभा को आगे बढ़कर लोग मदद करें, तो हमारा फ़ोन नंबर है 831-827-0566। अगर मार्केट संवाद चैनल पर आप कमेंट भेज रहे हैं तो अपना नंबर ज़रूर भेजें, जिससे हम बात कर सकें किस जगह से आप भेज रहे हैं। मार्केट संवाद की रिपोर्ट, झांसी।